लिसन वेरी केयरफुल, आपके थिंकिंग और आपके एक्शन के बीच में इमोशन है, ठीक है। हर बार जो आप सोचते हो वो नहीं करते, ऐसे हुआ क्या? आपने जो जो सोचा वो सब किया नहीं? तो जब सोच लिया तो किया क्यों नहीं? किसने रोका? किसने रोका? इमोशंस रोकता है। यानी अगर मैं रेशो बताऊं तो आप दिन भर में से कम 100 चीजें अगर सोचते होंगे ना तो 10 ही करते, तो आपको रोक कौन रहा है? आपके इमोशंस आपको रोकते हैं। तो यहां पे इमोशंस को आपको चेक करना होगा कि कब किस सिचुएशन में मेरे कौन से इमोशंस आने चाहिए, ठीक है। और देखिए इमोशन बहुत जबरदस्त चीज है, इमोशंस इज लाइक फ्यूल। जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन दौड़ रहा है, इमोशन भी दौड़ रहा है, कंटिन्यूअसली इमोशंस में है हम, और इमोशंस बदलते रहते हैं, इमोशंस बदलते रहते हैं, हम कॉन्स्टेंटली एक इमोशन में नहीं रहते। थोड़ी देर के लिए हम हैप्पी है, एक्साइटेड है, फिर थोड़ी देर के बाद हम डर में आ जाते हैं, फिर डर में आने के बाद फिर गुस्से में आ जाते हैं, फिर गुस्से आने के बाद फिर थोड़ा सेटिस्फाई होते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर डर आता है, फिर गुस्सा आता है, फिर एंग्जाइटी आती है, फिर नर्वसनेस आता है, फिर वो टाइम निकल गया, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हैप्पीनेस आता है, फिर एक्साइटमेंट आ रहा है, हो रहा है ना, यही लूप चल रहा है, यही लूप चल रहा है। अब हम एक्शन कब लेते हैं? हाँ, अब एक्शन कब लेते हैं? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने अपने थॉट्स में डिसाइड किया ऐसे करना है, लेकिन वो मैं करता कब हूं पता है? जब मेरी इमोशन की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है तब मैं वो काम करता हूं, वरना नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पर आपको किसी